नुपुर शर्मा जी का बयान आया, उस पर बीजेपी ने एक्शन लिया, उन्हें पार्टी से बाहर किया। यहाँ ममता बनर्जी बोल रही है कि ये गलती की है तो गलती सुधारने की मौका देना चाहिए, लेकिन उन पर ये ट्विटर को अनफॉलो कर, ये सब दिखावा है। देखिए नूपुर का के पहले तो आप टेलीविजन डिबेट्स में लोग बहुत सब प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट करते हैं, आप अगर एक पार्टी का स्पोक्समैन होके अब गुस्से में जो मर्जी बोल दे वो ठीक नहीं है। आपको प्रोवोकेशन हो सकता है और प्रोवोकेशन था उसमें, लेकिन आपको जो मर्जी नहीं बोलना चाहिए। ये नूपुर का सबसे बड़ा दोष था, उसीलिए उसको पार्टी से निकल गया है। लेकिन ये आप कितना दूर चलेगा आपको, अब उदयपुर में जो हुआ, अमरावती में जो हुआ, ये क्या और लोग बोलते हैं कि इसका सिर काट दो, बीहेड दोज पीपल, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल इंसिडेंट। रायटिंग हुआ कलकत्ता में, अलाहाबाद में, दूसरा कोई जगह में, तो ये दिस इज ओवर डूइंग इट। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स एंड डू इट। बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता कि पोलिटिकल पीपल शुड नॉट गेट इन टू द रेल्म्स ऑफ पीपल्स बिलीफ्स। आप जगन्नाथ, उड़ीसा में जगन्नाथ का बड़ा श्रद्धा, बड़ा पूजा एक है, आप अगर एक उल्टा सीधा कुछ बोल दें तो ये कभी नहीं चले, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करता। तो थोड़ा रिस्ट्रेंट से काम करना चाहिए। हमारा देश में बहुत सा बिलीफ्स है, लोगों बहुत कुछ बिलीव करते हैं। ऑल बिलीफ्स ऑल्सो कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय रैशनैलिटी। हमारा हिंदू धर्म और हिंदी इसमें है कि देर आर सम बिलीफ्स विच गो बियॉन्ड रैशनैलिटी, इट इज ओनली इन द रेल्म्स ऑफ बिलीफ, यू कैनॉट अटैक दोज। ये है रूल्स ऑफ द गेम, दिस इज द रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स। आई बिलीव ये दीज आर द रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कोई कुछ बोल देता है। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो इंडिया में तो एब्सोल्यूट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला है कि देर आर सर्टन डिफाइनिंग लिमिट्स। एक लक्ष्मण रेखा होता है, अब लक्ष्मण रेखा कितना बड़ा होगा कितना कम होगा इसमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं और करना भी चाहिए कभी कभी। अगर कोई ट्विटर में किसी चीफ मिनिस्टर या किसी को थोड़ा कुछ अटैक करे तो दैट डजंट मीन उसको जेल में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंटॉलरेंस है, ये ठीक नहीं है। लेकिन दैट इज नॉर्मल पॉलिटिकल गिव एंड टेक, वो तो होता ही है। अब टीवी में कोई लोग क्या क्या गाली गलौज को वो तो करते ही है, टीवी पूरा टीवी तो चलता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लगाना नहीं चाहिए। तो यही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, फ्रीडम, डोंट मिसयूज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। सांप्रतिक पॉलिटिक्स में अगर आएंगे तो देश की राजनीति पर अगर आलोचना करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे कास्ट से वोट नहीं हुआ, डेवलपमेंट इशू था, गरीब कल्याण मेजर इशू था वहाँ पे। जो मोदी जी का ये मॉडल है कि डेवलपमेंट अभी फोकस में है और धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट का बंटवारा नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एकदम कास्ट बिकेम टोटली इररिलेवेंट। नहीं, कास्ट वॉज अ फैक्टर, लेकिन क्रॉस कास्ट बहुत वोटिंग हुआ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लोगों का विकास और उनका जो ये जो इतना जो स्कीम्स था उसका डिलीवरी। अब स्कीम्स तो बहुत साल से लोग कर रहे हैं, 50 साल से हम देख रहे हैं ये स्कीम, लेकिन इट इज़ द डिलीवरी और नॉन करप्ट डिलीवरी। अब बहुत से जगह होता है जो डिलीवरी होता है कुछ उसके साथ एक करप्शन जोड़ता है, जो बंगाल में हम लोग जो कट मनी कहते हैं। हाँ, तो आजकल जो सुविधा हुआ कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव बीन एबल टू मेक क्रिएट अ सिस्टम विच इज ट्रांसपेरेंट एंड विच इज नॉट प्रोन टू करप्शन। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम जीरो करप्शन है, अभी तक वो स्टेज में नहीं पहुंचा हम लोग, थोड़ा पंचायत लेवल में थोड़ा इधर उधर होता है, बट बाय एंड लार्ज एक ऑनेस्ट डिलीवरी
और ये जो है कि ये जो स्कीम्स है इसमें कोई कास्ट का, धर्म का, कोई इसका इनकम, थोड़ा इनकम का है बट उसके बाद कुछ नहीं है. तो दैट आई थिंक हैज़ पेड अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स. एक चीज़ हाउएवर एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट एक था कि इतना स्कीम्स तो था, लोगों वोट भी दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम संप्रदाय पूरा इकट्ठा होकर बीजेपी का खिलाफ वोट दिया. तो उसी लिए कभी कभी लोगों को लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम एक पोलराइजेशन हुआ था. एक्चुअली इट वॉज नॉट सो मच ए हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, देर वॉज अ मुस्लिम पोलराइजेशन बट देन देर वॉज अ वोट फॉर डेवलपमेंट. यस, मुस्लिम भी वहाँ पे डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत दिया है, ज़्यादा नहीं. 2024 में यही विकास का मुद्दा प्रमुख रहेगा. देखिए 2024 में दो तीन चीज होगा. पहले तो है लीडरशिप. मोदी जी का लीडरशिप आज जो 2014 से भारतवर्ष में वी आर सीइंग अ सर्टन स्टेबल अश्योर्ड गवर्नमेंट. पहले जो होता था कि पता नहीं आज ये इधर है उधर है, अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल टेंशन, ये वो सब चला गया. आजकल आप देखते हैं वी कैन नाउ असेस कि दिस प्रोग्राम इज देयर, यू कैन सपोर्ट इट, यू कैन अपोज इट, वट एवर इट इज, बट नाउ देयर इज अ सर्टन फिक्सिटी ऑफ लीडरशिप एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू इंडिया ओवरसीज इन द वर्ल्ड इमेज. कि आज भारतवर्ष का एक उज्जवल छवि सारा दुनिया के सामने आ रहा है और इसके कारण मोदी जी का है.